जो हस्ती मौजूद हैं वो हमेशा मुस्कुराते हैं, वह लीला करने में विश्वास करते हैं। तेज प्रताप यादव इस वक्त हमारे साथ हैं, कृष्ण के पुजारी हैं, कृष्ण को काफ़ी मानते हैं, भगवान कृष्ण को। मकर संक्रांति का त्यौहार आ रहा है, नया साल आ गया है। जी, नया साल है तो सबको शुभकामना है, मकर संक्रांति का भी आने वाले सबको शुभकामनाएं ही हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार की जेडीयू जो है जाति जनगणना के मुद्दे पर आपके साथ दिख रही है, क्या आने वाले समय में कुछ ऐसा है कि हाँ जेडीयू साथ आ सकती है, द्वार खुले हैं? जाति जनगणना में तो सबका समर्थन है ही, और जाति जनगणना जल्द से जल्द भाजपा के लोगों को करा देना चाहिए। नहीं तो बीजेपी तो साथ नहीं दे रही, बीजेपी मौन है, मौन है का मतलब चुप है। देखिए, पॉलिटिक्स जिस तरीके का बीजेपी करती है, देश को बर्बाद करने के लिए करती है। उनको राजनीति का जो शब्द है ना वो छोड़ देना है। जातीय जनगणना का कोई आज से बात नहीं, हमारे पिताजी ने इसको उठाने का काम किया, हम लोगों ने लगातार इसको उठाने का काम किया, जातीय जनगणना को। तो ये और भी जो राज है वो अपने खर्चा पर कराने का काम किया। जब इतना लेट हो रहा है तो नीतीश कुमार जी को हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अपने खर्चे पर करवाए जातीय जनगणना। लगता है कि वो कराएंगे, इतना बड़ा फैसला लेंगे, क्योंकि फिर दिक्कत ये आएगी कि सरकार गिर जाएगी अगर बीजेपी साथ नहीं देगी तो। सरकार तो ऐसे भी गिरने वाली है 14 तारीख के बाद, इसमें कौन सा बड़ा बात है? आप कंफर्म है 14 के बाद मकर संक्रांति? 14 के बाद बहुत बड़ा खेल होने वाला है जो कि बिहार की जनता को नहीं पता है, तो हम एडवांस में बता देते हैं। सरकार बनने वाली है क्या आपकी? तो सरकार नहीं बनेगी। नहीं, मैंने शुरू में कहा कि तेज प्रताप यादव लीला काफ़ी करते हैं, मुस्कुराते हैं, जैसे कृष्ण भगवान मुस्कुराते थे, उनका आशीर्वाद भी है, तो आप मुस्कुरा के काफ़ी कुछ कह रहे हैं। भगवान लीला करते थे, लेकिन जब लीला करते थे ना तो लीला में बहुत तरीके का कृष्ण भगवान का उसमें मैसेज जाता था कि उन्होंने ये जो लीला किया, जैसे कालिया नाग को मारा कृष्ण भगवान ने, तो कालिया नाग क्या कर रहा था? पूरा यमुना नदी को दूषित कर रहा था। तब बिहार को कौन दूषित कर रहा है? कौन कर रहा है? अब आप बताइए, अंदाजा लगाइए। हम तो भाई विपक्ष में हैं, नीतीश कुमार को चाचा मानते हैं अभी भी। अब देखिए भाई, नीतीश कुमार जी से जो हमारी लड़ाई वो पॉलिटिकल है, व्यक्तिगत तो सबसे संबंध होते हैं। तो चाचा मानते हैं, बड़े व्यक्तिगत तो सबसे संबंध होते हैं ना। तो इसलिए अगर बात कर ली जाए उपेंद्र कुशवाहा जी की, तो उपेंद्र कुशवाहा जी को तो हमने कह दिया कि पंखा तो आपका डूब गया, तो जब पंखा डूब गया तो आप आ जाइए, यहाँ ऑफर है उनको। नीतीश कुमार जी भी आना चाहते हैं तो उनको भी ऑफर है। मतलब दोनों मिलकर फिर सरकार बना लीजिएगा, बीजेपी देखते रह जाएगी? मुँह ताकेगी नहीं बीजेपी, तब बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी झोला लेके नीतीश कुमार जी गए में बहुआएगी। लगता है यूपी में चुनाव है, आपको अखिलेश यादव के साथ भी जाना है? अखिलेश यादव हमारे रिलेशन में है, हमारे परिवार हैं, तो वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे हम। अच्छा, एक काफ़ी पुरानी बात है, राबड़ी देवी जब मुख्यमंत्री थी, आपकी माँ हैं, उन्होंने आंचल फैला के अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए, डबल इंजन की सरकार बनी, क्या मिला बिहार को? डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला, नीतीश कुमार ने मन से कहा, प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। देखिए नीतीश कुमार जी, हम लोगों ने मांग किया था, ये बात सही है, और माता जी जब मुख्यमंत्री थी तो हम लोगों ने मांग करने का काम किया था, विशेष स्पेशल स्केचेस का पैकेज का, तो नहीं मिला। तो जब केंद्र में सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं, तब बिहार को स्पेशल पैकेज देना चाहिए, सब लोगों को, सारे स्टेट्स को इन्होंने देने करने का काम किया, तो हमारा बिहार क्यों पीछे रहेगा भाई? हमारे बिहार में टैलेंट की कमी है, एक से एक नौजवान है। आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो क्या रहता है, बीजेपी ने नीतीश कुमार को गले लगाया है या छुरा भोंका है? अब देखिए, उनमें अंदर अंदर जो है ना खेल तो बहुत भयंकर चल रहा है लगता है आपको? 14 के बाद होगा, तैयार हैं, खूंटा ठोक के तेज प्रताप बोल रहे हैं। अब तो हम लोग तो योद्धा के भूमिका में रहते हैं, रणभूमि में हम लोग योद्धा के भूमिका में तो हैं ही। हमने तो यहाँ कर दिया कि कृष्ण भगवान को जो हम पूजा आराधना करते हैं, कृष्ण भगवान हमारे अंदर है। अंतिम सवाल इसी से है, आपने कहा था कि मैं कृष्ण हूँ, तेजस्वी अर्जुन है, गद्दी पर बैठा देंगे, तो गद्दी पर क्यों ना बैठेगा? देखिए शाम का समय है, सूर्यास्त हो रहा है, कृष्ण भगवान शंख बजा रहे हैं, वो आप क्या हमको बताइएगा? कृष्ण भगवान के बारे में आप हमको कब पढ़ाइएगा? हम आपको पढ़ा देंगे कि आपको ज्ञान नहीं पता होगा कृष्ण भगवान क्या बोले हैं। जो तैयारी है पूरी, तैयारी है, तैयारी तो लगी रहती है ना, तेजस्वी तय है तो कहीं नहीं तय है। देखिए तेज प्रताप यादव की लालू तय है, लालू तय है, लालू तय है, तो लालू सब तेज तेजस्वी सब लोग आ गए, सब तय है। कैसी है, अच्छा जाते थे बताइए, पिताजी के स्वास्थ्य कैसे होंगे? अभी ठंडा का समय है, अभी थोड़ा सा टेबलेट डाउन है, अभी ठंडा का है। देखिए तेज प्रताप यादव मुस्कुरा रहा है, इलाज वगैरह चल रहा है।
लालू प्रसाद की तबीयत जो है थोड़ी इन दिनों नाजुक है।